ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन ब्रो कौन सा पार्ट है? कोरोनल सूचर से लेकर आगे सुप्राऑर्बिटल डिजीज और रूट ऑफ नोज तक का पार्ट ब्रो है। ये कब प्रेजेंटेशन होती है? जब हेड जो होता है पार्शियल एक्सटेंडेड होता है। कंप्लीट एक्सटेंडेड में फेस था, पार्शियल एक्सटेंडेड में ब्रो प्रेजेंटेशन होगी। अब ब्रो प्रेजेंटेशन में पार्शियल एक्सटेंडेड हेड है तो इसमें एंगेजिंग डायमीटर कौन सा होता है? मेंटो वर्टिकल विच इज 14 सेंटीमीटर्स, मेंटो वर्टिकल डायमीटर विच इज 14 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर कोई भी पेल्विस के अंदर इतना डायमीटर नहीं है जिसके थ्रू 14 सेंटीमीटर क्रॉस कर सके, तो इसके अंदर हमें सिजेरियन करना होता है, कोई मैकेनिज्म ऑफ लेबर नहीं होता। लेकिन अगर बेबी बहुत स्मॉल है, स्मॉल बेबी है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एडिक्वेट है तो सब कुछ फेस प्रेजेंटेशन वाला फॉलो होगा और डिलीवरी हो सकती है। मतलब जैसे उस दिन मेंटो एंटीरियर, लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो एंटीरियर, वही वाला सारा फॉलो होगा और डिलीवरी फेस की तरह हो सकती है। बट दिस इज रेयर, यूजुअली नो मैकेनिज्म लेबर एंड वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। अगला आता है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ यूटरस के परपेंडिकुलर होती है फीटल एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस इज द लाई इन विच द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द फीटस इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द यूटरस। तो ट्रांसवर्स लाई में क्या होगा? इसके अंदर भी माल प्रेजेंटेशन है तो सारे रिस्क फैक्टर्स सेम होंगे हमारे, जो माल प्रेजेंटेशन के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब ट्रांसवर्स लाई में क्या होगा? ट्रांसवर्स लाई में प्रेजेंटिंग पार्ट विल बी शोल्डर। अब ट्रांसवर्स लाई अगर अर्ली लेबर में आता है तो वी कैन गो फॉर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन कर सकते हैं हम लोग। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन फेल होता है तो देन वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। अगर लेट लेबर में आता है तो यूजुअली हमें प्रेजेंटेशन मिलती है कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी होती हैं, एक हैंड प्रोलैप्स होता है और कॉर्ड भी प्रोलैप्स हुई होती है। इन दैट केस पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जा चुका होता है, एक यहाँ पर बेंडल्स रिंग बन जाती है, तो उसमें भी हमें फीटल्स या तो डेड होता है या फीटल डिस्ट्रेस होता है, तो वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। सो ट्रांसवर्स लाई का मैनेजमेंट अर्ली लेबर में ट्राई फॉर ईसीवी, इफ फेल्स गो फॉर सीजेरियन सेक्शन। लेट लेबर में अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आता है या फिर लेट लेबर में नॉर्मली भी प्रेजेंट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं है, फिर भी वी हैव टू गो फॉर सीजेरियन सेक्शन क्योंकि ईसीवी लेट लेबर में नहीं कर पाए।